टू द चैनल। तो आज हम लोग निकले हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए, क्योंकि आज मेरा एग्जाम जल्दी खत्म हो गया। अराउंड 3:30 के अंदर अंदर मैं घर आ गई थी, तो ऐसे ही बैठी हुई थी, तो फिर हम सोचा कि चलो घूम कर ही आते हैं। तो अभी हम सब निकल रहे हैं एंड हम लोग जा रहे हैं स्पेशली दुर्गा मंदिर, क्योंकि यहाँ पर आके हमने पता किया है कि यहाँ पे दुर्गा मंदिर एंड श्री वेंकटेश्वर की भी मतलब बालाजी की भी मंदिर है, तो वहीं पे हम जाने वाले हैं। तो हियर इज विधान, ही इज ऑलमोस्ट रेडी और बाबा सभी निकल चुके हैं, तो हम भी निकलते हैं। और हम लोगों ने यहाँ से एड्रेस भी ले लिया है, सीढ़ी पहले उतर लूँ मैं अच्छी तरीके से। हम यहाँ पर उतर चुके हैं और बारिश भी रुक गया है, तब अभी हम लोग ऑटो लेंगे। मंदिर जुम ना बाबा, तो अब हम लोग चलते राहुल एड्रेस। तो हमने नीचे से रिसेप्शन से हम लोगों ने मतलब एड्रेस मांगा था, तो उन्होंने मुझे एड्रेस दे दिया, बट एड्रेस मांगा था तो मैंने उन्होंने हमें एड्रेस दे दिया एंड अराउंड उन्होंने हमें कॉस्ट भी बता दिया कि अराउंड 620 रुपीज करके जाना है। अच्छा जो भी हो, तो हम लोग अभी टोटो में आ चुके हैं, ऑटो में चढ़ चुके हैं, तब हम निकलते हैं बालाजी मंदिर के लिए। उन्होंने बताया कि पहले बालाजी मंदिर जाना, फिर उसके बाद दुर्गा मंदिर जाना, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। ये तो सोया हुआ था, तो मैंने उसको मतलब जैसे ही मैं उसको ड्रेस चेंज करना शुरू कर दिया, ये चल गया। बारिश होना स्टार्ट हो गया एंड मुझे टेंशन ये है कि विधान को हम किस तरीके से लेके जाएं, मुश्किल हो गया। मतलब कि मतलब मैं विधान को मैं कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि डेफिनेटली हमें मतलब निकलना तो पड़ेगा ना शेल्टर से, एक मतलब शेड से निकल के जाना पड़ेगा। बारिश नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा रुक गया था, जैसे दिखा था हम लोग वैसे निकल आए, बट देखते हैं अब आगे जाके। आई होप कि बारिश ना हो। आप को क्या? तो ये रहा मंदिर, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे एंड तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एंड बारिश तो बंद नहीं हुआ, अभी यहीं पे उतर के हम लोग पूजा की सामग्री वगैरह सारा सब कुछ ले लेंगे, स्पेशली नारियल नहीं। तो अभी हम लोग तो बाहर ही है, मंदिर अभी बंद है, क्योंकि बोला आरती हो रहा है तो थोड़ी देर में होगा। ओ अब पुलिस वाले बोल रहे कर सकते हैं, तो इसलिए अभी हम मंदिर ही रख देते हैं, तो फिर बाद में बाहर जाके शूट कर लेंगे। तो हम लोग मंदिर दर्शन कर चुके हैं, तो अंदर हम लोगों को ब्लॉक करने के लिए नहीं दिया, तो अभी बाहर से ही मतलब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, दिखाऊंगी नहीं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स है नहीं कहता है मंदिर को नहीं दिखाना है, तो हम वो भी नहीं करने वाले। तो फिलहाल अभी हम लोग पूजा कर चुके हैं एंड लाइक हमें प्रसाद भी दिया है, तो बाकी सब प्रसाद खा चुके हैं, सिर्फ बाकी मैं रह गई हूँ, तो वो मैं बाद में ले लूंगी। तो अभी यहीं पर ही राहुल ने नारियल धो रहा था, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अंदर हम आ चुके हैं और हमें बताया कि मतलब यहाँ पे बाहर की तरफ हम ब्लॉक कर सकते हैं, बस अंदर नहीं कर सकते। तो ये जो एरिया, मैं पहले भी आई हूँ यहाँ पे, बट फैमिली को लेकर आज मैं पहली बार आ रही हूँ। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना सामने, यहाँ पर मतलब नारियल फोड़ते हैं एंड यहाँ पे कुछ पिलर है, पैरों का छाप है यहाँ पे, ये रहा मतलब पैरों का छाप है। मैं तो डर गई, मुझे लगा कि मुझे बोल रहे हैं। तो और यहाँ पे है बड़ा सा पिलर, यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे हर जगह पे पिलर है, और पिलर किस लिए है वो पूछना पड़ेगा, या तो हम गूगल में से देख लेंगे। ये रहा पिलर, ऊपर की तरफ बहुत बड़ा है ये रहा, और यहाँ पे सभी ऐसे नारियल फोड़ रहे हैं।
और यहाँ पे भी मंदिर है। वो मिडल में जो है ना वही है मेन मंदिर, और पास में भी है। तो बाबा तो यहाँ पे खड़े हुए हैं अभी, राहुल यहाँ पे हाँ प्रसाद लेके दुर्गा कंपनी देवी को मंदिर, देवी को मंदिर हाँ। खै त माथि टुप्पोमा त सुन छ भनेर भनेको थियो हो। वेंकटेश्वर जी वही है सबसे पुराना मंदिर, तो इसलिए हम लोग यहीं पर आ गए दर्शन करने के लिए। एंड बताया कि जब तक आप यहाँ के दर्शन नहीं कर पाओगे तो तिरुपति में जाना वो व्यर्थ रहेगा, तो इसलिए जब हम कड्डापा आ चुके हैं तो हम कड्डापति श्री वेंकटेश्वर के मंदिर आ गए हैं, मतलब श्री बालाजी के मंदिर आ गए हैं। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आते ही प्रसाद भी मिल गया, तो प्रसादम तो सभी खा चुके हैं, सिर्फ मैं रह गई, तो मैं भी इसको खाने वाली हूँ। और ईदान तो अभी डेफिनेटली नहीं खा पाएगा, है ना बाबू, हमारी ऑटो जो है वो वेट कर रहे हैं, हमारे डिब्बे वगैरह सारा सब कुछ हम लोगों ने ऑटो भी छोड़ दिया था। तब हम निकलते हैं यहाँ से, तो मैं अभी मंदिर से रूम आ चुकी हूँ। एंड रिधान तो सो गया था डेफिनेटली टोटो के आदत। एंड लाइक बाबा माँ और राहुल जो है नीचे ही रह गए, उनको चाय पीना था, तो मैं रुकी नहीं क्योंकि मैं डेफिनेटली चाय पीती हूँ नहीं। और साथ ही साथ रिधान भी सो गया था तो मुझे जल्दी से रूम में आना था, सो मैं आ गई। तो बाबा ने मेरे लिए वहां से चाट लेकर आ गए, तो मैं बैठे बैठे खा रही हूँ। एंड यहाँ पे सच में तो बहुत ज्यादा रिजनेबल रेट में बहुत कुछ मिल जाता है, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो अभी फिलहाल तो मैं चाट खा लेती हूँ, देन आई विल बी चेंजिंग माय ड्रेस, फिर रिदन को भी मैं साफ सफाई करके फिर आराम से बैठूंगी। ओरिजिनल वॉइस पे नहीं आई हो डॉग पर। तो लाइक अभी मैं और राहुल यहाँ पे आ गए हैं खाना लेने के लिए, तो अभी मैं और राहुल यहीं पे बैठ के खा लेंगे। सो वी हैव ऑर्डर चपाती एंड माँ बाबा के लिए हम लोग मतलब फुल में लेके जा रहे हैं, तो हमारा चपाती आ चुका है और हम जनता कह रहे हैं देखते देखते हुए खा रहे हैं। बट हाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिस बहुत इनके रीजनल लैंग्वेज में है, क्योंकि हम जो वहाँ पे देखते हैं लाइक डब किया हुआ देखते हैं, तो अनुमान से हम पता मतलब लगा रहे हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। जनता कह रहे हैं कम से कम मैंने 10-12 बार देख लिया है, जनता करे बहुत बार देखा है। तो अभी हम इनके रीजनल लैंग्वेज में देख रहे हैं, तो हम मील भी खाते खाते साथ में फिर मजा ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा चपाती, साथ ही साथ इसमें है पप्पू एंड सांबर शायद। और यहाँ पे राहुल ने तो अपना खाना स्टार्ट कर दिया, वो भी जनता गैरेज देखते देखते। ये रहा चल रहा है हमारा जनता गैरेज, मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि नहीं तो फिर हमें कॉपीराइट लग जाएगा। जो भी हो यहाँ पे है पंचड़ी, सॉल्ट, चटनी और यहाँ पे भी कुछ है चटनी है। तो आई विल स्टार्ट हैविंग माई फूड नाउ। He's जो having dinner, वो भी टीवी देखते हुए, जनता गैरेज देखते हुए। इसके आगे खाने पे नहीं है, सीधा टीवी पर ही अभी। अच्छा यहाँ का कर्ड्स तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, कर्ड्स पे जो हम जो पाते खा रहे हैं ना तो उसमें कर्ड है नहीं मिला वो कड़ो। तुम्हारा खाना हो चुका है और पैकिंग भी अभी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है पैकिंग चल रहा है, तो अभी पैकिंग देके खाना स्पेशली माँ बाबा मतलब नहीं निकले क्योंकि विधान भी है और उनसे बर्थडे हो रहा है, तो हमने उनको मना कर दिया। तो हम लोग जैसे यहाँ पर आए थे तो हम अपने खाना खा लिए और साथ ही साथ मतलब उन लोगों के लिए जो है वो पैकिंग करा रहे और पता नहीं कब तक पैकिंग कंप्लीट करेंगे ये। हमारे वो हो तो बारिश ना हो, नहीं तो बारिश हो जाती तो फिर हम नहीं जा पाएंगे घर। ये
जिस एरिया पे हम लोग रहते हैं ना, तो उसको न्यू बस स्टैंड बोलते हैं. तो देर आर टू बस स्टैंड इन कडापा. वन इज न्यू बस स्टैंड एंड अदर इज ओल्ड बस स्टैंड. तो न्यू बस स्टैंड जो है वो जो हमारे होटल है तो उसके पास में ही है. एंड ओल्ड बस स्टैंड जो है वो बहुत दूर है. तो आज जब हम लोग मंदिर गए थे तब हमें पता चला कि यहाँ पे ओल्ड बस स्टैंड भी है. तो अभी हमारा खाना देखते हैं कब तक कम्प्लीट हो गया. लगता और राहुल बाहर गया हुआ है कुछ खरीदने के लिए. तो फाइनली हम लोग होटल से निकल आए हैं और पार्सल भी राहुल के हाथ में है. ये रहा राहुल शो द पार्सल. तो ये रहा राहुल के हाथ में पार्सल. तो अभी हम चलते हैं रूम की तरफ. एंड पहले हम फोन अच्छा अच्छा ठीक है पहले रोड क्रॉस कर लेते हैं.